कोई तो राजी है दिल्ली वाला टैटू। लड़ती रहती हो तुम ऐसी। तो यार मैं नहीं लड़ूंगी अब आप। एंड सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। गाइस अभी मैं स्टूडियो पहुंच चुका, अभी टाइम हो रहा है 11:30 और आज दिन है संडे, तो देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं, तो सारी अपॉइंटमेंट्स आज से दिखाते हैं आपको। एंड सो गाइस अभी क्लीनिंग वगैरह हो गई है स्टूडियो की, और अभी मैंने एसी लगाई है पावर चिल मोड पे, उसके बाद भी गर्मी ख़त्म नहीं हो रही। बहुत ज़्यादा, बहुत ही गिरा हुआ टेम्परेचर है आज, बहुत ही ज़्यादा। और अभी स्टूडियो में कोई नहीं आया, अमन वगैरह भी कोई नहीं। अभी मेरी अपॉइंटमेंट स्टार्ट होने वाली है, तो अभी टैटू करूंगा मैं। एंड सो गाइस इधर आ चुकी है भूमि और इधर आ चुके हैं अमन। अमन एक ये वाली टी शर्ट पहन के आए। अगर आप लोग इस टी शर्ट को कहीं और देखा हो तो कमेंट करके बताना, दिखाओ जरा ये टी शर्ट। चुप रहे, चुप नीचे। एंड सो गाइस इधर भूमि जला रही है अगरबत्ती, और मुझसे अभी गेम खेलनी थी। कौन सी वाली अगरबत्ती बताओ, बिना फ्रेगनेंस लिए। यार ये तो हाथ से फाड़ दो इसे। अरे नहीं इधर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है? जिसे अमन कर रहे हैं वो कवर अप टैटू है, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको क्या कवर अप होने वाला है, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो भी दिखाऊंगा। सो गाइस ये फेदर है, और कवर अप क्या होना है, ये होना है। भाई ने कुछ लिखवा रखा था ओम वगैरह, तो ऐसा कुछ कवर अप अगर आपका भी है तो आप लोग भी कॉन्टेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो और कवर करा सकते हो। अभी देखते हैं एंड द रिजल्ट। तो गाइस इधर भैया का एक टैटू बना हुआ था, दिखाना भैया, जो ऑलरेडी हील हो चुका है। ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया इसे, क्वालिटी कितने, तीन चार महीने ऑलमोस्ट। तो ये पूरा मॉम डैड को डिटेक्ट टैटू था जो अब प्रॉपर हील हो। एंड सो गाइस फाइनली टैटू कंप्लीट हो चुका है, और मैंने लंच भी कर लिया है, तो अभी देखते हैं कवर अप कैसा हुआ है। होपफुली बहुत अच्छा हुआ है। लड़ती रहती हो तुम ऐसी। तो यार मैं नहीं लड़ूंगी अब आप। कौन लड़ेगा यार? नहीं वो छोड़ो, तुम ये बताओ उस दिन तुमने चाय पिलाई थी। हाँ मैंने कॉफी पिलाई थी, चाय नहीं। कॉफी तुम्हें चाय किसके घर पी के आया था? आप चाय किसी और के घर पे पी के आया। अभी तो मैं किसके घर जाने लगा? हाँ किसी और के घर चाय पी गया। अच्छा हमारे घर नहीं। तुम्हारे घर नहीं? हाँ भाई भूमिका आ रही हो चाय देखे। लग रहा है अक्षत भाई मोनेटाइज हो जाएगा ना हमारा चैनल? बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। सो गाइस अभी अक्षत भाई का एक टैटू है गर्दन पे, तो उसे थोड़ा रीटच कर रहा हूँ। और अक्षत भाई के हमने काफी टैटू करे हैं, और भी लोगों के करे हैं, अक्षत भाई के दोस्त वगैरह के सबके, तो अभी देखते हैं कैसा होने वाला है। अक्षत भाई ने अब बोल दिया है मोनेटाइज हो जाएगा, तो हो जाएगा जल्दी। आप लोग करो सब्सक्राइब तब जाके होगा। अच्छा अक्षत भाई मोनेटाइज को कह रहा है, ये बता ब्लॉग देखते हो आप? इस बात को मैं कोई बात नहीं, चलो कोई बात। कितना टाइम हो गया, कब कराया था ये? हो गया अभी एक साल तो है ना। एक साल हो गया। दर्द होता है टैटू में? कुछ नहीं होता। एक मिनट भैया और आना। चलो अभी देखते थोड़ी देर में रिएक्शन नोट करेंगे चेहरे के। कोई तो राजी है दिल्ली वाला टैटू। अक्षत भाई जल्दी बताओ क्या है राज? मुझे पता नहीं जो बोल रहा है उसी से पूछो भैया। सुबह 10 बजे ब्लॉग आ जाए देख लेना। वासु ठाकुर के नाम से डालना, वासु ठाकुर एक्सपोज। And so guys, finally सारी appointments हमारी clear हो चुकी है। So आप लोगों ने इतना enjoy करा, इतना ही मेरे लिए बहुत है, और आप लोग ऐसे रोज मुझे देख रहे हो वो ही मेरे लिए बहुत है, उसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी का। तो अभी हम लोग स्टूडियो क्लोज कर रहे हैं,
तो स्टूडियो क्लोज कर लेते हैं, उसके बाद मैं भी मैं सोच रहा हूँ कि अभी विशाल मेगा मार्ट जाना है, मम्मी के लिए कुछ सामान वगैरह लेना है तो वो लेते हैं, तो अभी चलते हैं। तो गाइस इधर फिटिंग भी हो चुकी है, आज मुझे पता चला कि यार इनका फिश फूड खत्म हो गया है, तो अभी सोच रहा हूँ कि पहले इनका फिश फूड लेके आऊंगा। सो गाइस आज मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैंने लगभग 1 वीक बाद शूज वेयर करें और मैं पहन नहीं रहा था कुछ टाइम से। मेरे ना ऐसा होता है कि जैसे स्टूडियो में मैं बैठा रहता हूँ सॉक्स वेयर करके, तो मेरे ना इसमें पैर में दाने से निकलने लगे थे छोटे छोटे, लाइक घमोरी टाइप जो होती हैं, तो फिर मुझे लगा वो इचिंग वगैरह हो गई, बट वो घमोरी थी, तो फिर मैं डॉक्टर को दिखाया तो वो ठीक हो चुकी है अब, तो अब थोड़ा सा नॉर्मल हुई है, तो अभी मैं फिर पहन रहा हूँ। बट अभी मम्मी देख लेंगी ना घर पे जब जाऊँगा तो फिर डांटेंगी, तो ना फिर सॉक्स पहन लिए, फिर पैर में गर्मी हो गई, फिर तेरे दाने निकलेंगे, फिर तो दवाई लेने जाएगा। छोड़ो इतना गर्म नहीं पड़ते, चल के थोड़ा सा ठंडा होते हैं, और अभी हम जा रहे हैं पानी बता से खाने, हम विशाल विशाल नहीं जा रहे, चले भी जाएंगे अगर मूड होगा। सो गाइस ये ट्रे लिए हमने स्टूडियो के लिए और कुछ ग्लासेस वगैरह लिए हैं, इसमें के ग्लास हैं, तो अब स्टूडियो पे आओगे ना आपको तो ये पीने को मिलेंगे इसमें।